हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। आज का पहला सवाल है अमरजीत जी का। ये लिखते हैं, नमस्ते लव गुरु जी। नमस्ते अमरजीत, मैं आपसे अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज सही सुझाव दीजिए। मेरी फ्रेंड है सपना, जिसे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। हम दोनों एक भी दिन बिना बात किए नहीं रह सकते। ये हम दोनों 6 साल से एक दूसरों को जानते हैं। सच साथ में घूमना, खाना, पार्टी में जाना सब होता है। वो मेरी दूर की रिश्तेदार भी है, लेकिन पहले मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। पता जब चली जब मेरी बहन की शादी उसके भाई से तय हो गई। और हमारे समाज में रिश्तेदारी में शादी नहीं होती। अगर बहन की शादी उसके भाई से हो गई तो मैं क्या करूँगा? घर वाले नहीं मानेंगे मेरी शादी के लिए, और मैं बिना सपना के जी नहीं सकता। उसके बिना जीने की इच्छा भी नहीं है। उससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। ये तो बहुत गंभीर बात है समरजीत जी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। मर सकते हैं मतलब आत्महत्या, और ये कहा रिश्तेदारी में शादी नहीं होती, और वो भी दूर की रिश्तेदार भी है, तो फिर आपकी बहन की शादी क्यों हो रही है? ये सब पुराने रीति रिवाज हैं। मैं किसी के विचारों को गलत नहीं कह रही, लेकिन आप तो पढ़े लिखे नई पीढ़ी से हैं, तो हो सकता है समाज का सामना करिए। प्यार की इस जंग को जीत कर बदलिए अपनी सोच, परिवार की सोच। हो सकता है आपसे, आपके पहल करने से लोग और भी आगे आए और आपके घर दो दो शहनाई बजे। दूसरा सवाल है सनी का। वो कहते हैं, नमस्ते लव गुरु जी। नमस्ते सनी जी, मैं महोबा जिले से हूँ। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो बहुत सुंदर है, मन करता है हर वक्त उसे ही देखूं। मेरी हर सुबह उसे देखकर ही हो, और हर शाम घर में दाखिल हूँ तो उसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूं, पर वो मुझे कभी लिफ्ट नहीं देती, ना ही मेरी तरफ देखती है। अपने दिल की बात कैसे बताऊं उसे, कैसे कहूं कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। सनी जी क्या बात है, आपके प्यार की तो मिसाल देनी चाहिए। बिना बात बताए, बिना कोई रिस्पांस के प्यार का दरिया बहा दिया। पहले लड़की से बात करिए, और अगर आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो आप अपने किसी करीबी दोस्त से मदद लीजिए, वो आपकी बात वहां तक पहुंचा सके। लेकिन याद रहे, दोस्त भरोसे वाला होना चाहिए, बीच में भांजी ना मार दे। अगर लगे कि लड़की के दिल में भी आपके लिए थोड़ा सा भी प्यार है, तो अपने प्यार की कहानी आगे बढ़ाएं, वरना अपने प्यार का दाएं नहीं कर दें। प्यार का दरिया बचा के रखें, कहीं और बहाने के काम आएगा। जाते जाते आपको बता दें, अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है लव से जुड़ा हुआ, रिश्ते से जुड़ा हुआ, तो आप हमें भेजें अपने सवाल। हमें भेजिए, हमारी मेल आईडी है khabarlahiria@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं अब अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय।